हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एमएम चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ईवल गेम को। जी हाँ, रेजिडेंट ईवल जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है PS4 और एक्सबॉक्स वन दोनों के लिए। रेजिडेंट ईवल सीरीज का ये नया पार्ट है और ये प्लेस्टेशन VR को भी सपोर्ट करता है। पैकिंग की बात करूँ तो नॉर्मल पैकिंग है जैसी सारी PS4 गेम्स की आती है। आगे अच्छे और पीछे काफ़ी डरावने ग्राफिक्स शो किए हुए हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि 18 साल से कम उम्र के इसे ना खेलें, क्योंकि गेम में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है और हो सकता है ये काफ़ी हॉरर भी हो। तो चलिए जल्दी से लगाते हैं इसको और देखते हैं कि इसका गेम प्ले कैसा है। तो मैंने गेम CD को इंसर्ट कर दिया है डिवाइस में। अभी ये थोड़ा सी लोडिंग लेगा और उसके बाद ये इंस्टॉल होगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये इंस्टॉल हो गया है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि साथ में इसके 1 GB का अपडेट भी आता है, तो वो भी आपको करना, अगर आप चाहें तो इसे कर लीजिए, कि और ज़्यादा फीचर इसमें ऐड हो जाते हैं। ये देखिए, अगर आपका PS4 है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि बार बार अपडेट हैवी आते रहते हैं और हमें उन्हें करना ज़रूरी होता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं बैटलफील्ड का 5 GB का अपडेट आया हुआ है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और देखते हैं। ओके, विदाउट अपडेट के हम इसे प्ले करते हैं। ओके, तो एक दरवाज़ा हमें दिख रहा है खाली और कुछ नहीं है। ओके, HDR हाई डायनेमिक रेंज एंड टर्न ऑन डिस्प्ले टू HDR। तो शायद ये HDR मोड में प्ले हो रही है, और जैसे कि आपको पता है कि TV में HDR है और गेम्स भी शायद इसको सपोर्ट करती है। खैर जो भी हो, ओके नाउ वी आर इन गेम। तो ग्राफिक काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक ग्राफिक वीडियो चल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा प्ले हो रहा है। ओके, ये स्किप करने कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, आई मिस यू टू, नाउ गो। ओके, आई लव यू, नाउ प्लीज गो। बाय बाय बाय। आपको लग रहा होगा ये वीडियो मैं लैपटॉप पे प्ले कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में ये TV के अंदर प्ले हो रही है। ये ग्राफिक्स का सारा कमाल है जो काफ़ी अच्छे हैं इसके। You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is if you get this. ओके, तो लगता है कि गेम फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। ये ग्राफिक्स तो बिल्कुल मूवी की तरह लग रहे हैं। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईवल डेड मूवी चल रही हो, बिल्कुल ऐसा ही रास्ता उसमें भी आता है। तो खैर हम अपना कैमरा घुमा सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ, और ये काफ़ी पुराने ज़माने की कार लग रही है। ओके, आई थिंक अब हमें उतरना है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है। चलिए सामने चलते हैं। ये हमारी कार, हमने यहाँ पार्क कर दी है। ओके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर मुझे मिलेंगे। खैर वो भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ग्राफिक्स की मैं बात करूँ तो ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इसमें। जो ब्लैक लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये कोई पुराना सा किला, कोई किला टाइप का हमारे सामने है। और खैर देखते हैं पास जाके क्या होता है, शायद हमें अंदर जाना हो। ओके, यहाँ तो ताला लगा है, तो ये खुल भी नहीं रहा है। ओके, चलिए दूसरे रास्ते पर चलते हैं। आई थिंक ये रास्ता कहीं और से है, शायद यहाँ से रन, शायद कोई आने वाला है, मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ओके, यहाँ पुरानी कार है कोई। ओके,
ये क्या लिखा है, एक्सेप्ट हर गिफ्ट। खैर चलिए अंदर चलते हैं। ओहो यहाँ भी बहुत सारे मक्खियाँ और मच्छर हैं। ओके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा बात करूँगी जो बाहर का एनवायरनमेंट है जो। अरे सामने कोई चल रहा है, आई थिंक ये कोई भूत भूत होगा। कहाँ चला गया? खैर फिल्मों में भूत ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पीछे चल के क्या होता है। ओह माय गॉड ये क्या है? ये शायद जानवरों की लाशें हैं जो हवा में टांगी हुई हैं। ओके शायद हमें इसके नीचे से जाना होगा। ओके ये तो और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। मैंने तभी इस गेम को रात के 1 या 2 बजे नहीं खेला, पहले मैं सोच रहा था कि रात को खेल लूँ, पर मुझे भूत प्रेतों से थोड़ा डर सा ही लगता है, तो मैं हार्ट अटैक से अभी नहीं मरना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस गेम को दिन में ही खेल रहा हूँ। पर खैर मैं रात में ट्राई करूँगा ज़रूर, ये तो देखने में इतना हॉरेबल लग रही है, अभी तक कोई भूत भी नहीं मिला तब भी। ओके तो हम किसी और जगह आ गए, आई थिंक ये कोई पर्स है। ओके तो इसमें क्या है देखते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का आईडी कार्ड, मतलब इस बंदे की गर्लफ्रेंड का, मेरी नहीं। तो चलिए देखते शायद हमें उसे फाइंड करना है। इन्वायरमेंट में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डरावना सा है, देख सकते हैं आप। चलिए इस बिल्डिंग में चलते हैं, बिल्कुल टूटा फूटा सा घर है जो भी है ये। ओपन द डोर प्लीज़, ओपन द डोर, कोई है घर में? कोई है? हेलो कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? हालांकि अगर मैं सच में किसी जंगल में होता और इस तरह का डरावना सा घर मुझे मिलता, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं करता उसके अंदर जाने की। चलिए फ्रिज खोलते हैं, शायद कुछ खाने पीने का सामान बचा हो। डिलीशियस, खैर डिलीशियस तो बिल्कुल नहीं है, न जाने कितने बरसों सदियों से बंद है, बंद कर देते हैं। अच्छा मैंने कई हॉरर मूवीज़ में देखा है कि लोग जानबूझकर पंगे लेते हैं, जानबूझकर रात के 2-2, 3-3 बजे ऐसी ऐसी जगहों पर जाके एक्सप्लोर करते हैं। आई डोंट नो कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है उनके अंदर, मैं तो ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहूँगा। हेलो ग्राफिक्स में बार बार बात कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे जो लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर टॉर्च का, वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, बिल्कुल ही रियलिस्टिक है। या फिर ये छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है, आई थिंक ये दरवाज़ा खुल जाएगा। पुराने सोफे, एक चलता हुआ टीवी, ये तो और भी ज़्यादा डरावना है। खैर अभी तक मुझे कोई भी भूत नहीं मिला है, शायद ये कुछ फोटोज़ हैं। ओके चलिए टीवी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ज़रा एक पियानो है। ओके यहाँ तो कुछ नहीं है, खैर ढूंढते हैं, मैं किसी भूत की तलाश में हूँ, हूँ भी और नहीं भी। तो मेरा मेन मकसद जो था आपको गेम प्ले दिखाने का और साथ में ग्राफिक्स का थोड़ा अनुभव कराने का, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे हर चीज़ को। खैर भूत तो हमें अभी तक नहीं मिला है और ये वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, तो मुझे शायद उसे अगली वीडियो में ढूंढना होगा। खैर दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो रेजिडेंट ईविल 7 के बारे में। तो खैर अब समय है आपसे विदा लेने का, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए गुड बाय।